And the topic of our lecture is antioxidant status and functional foods. So ये last lecture की continuation में है. Last lecture हमने पढ़ा था antioxidant पे और वो कैसे जो है वो gene expression को affect कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं. आज का lecture जो है वो specifically focused होगा functional foods पे, कि functional foods जो है वो कैसे gene expression को regulate कर सकते हैं. So you are going to learn about functional foods, medicinal importance of the functional foods, and how do they affect the gene expression. Learning outcome जो है आपके आज के lecture के वो ये हैं, जो main objective है वो ये है to understand how functional foods influence the gene and biochemical process. So before moving on, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आपने last lecture revise करना है, उसको recall करना है. So what are antioxidants? Antioxidants क्या होते हैं? कौन बताएगा? Raise your hand. Antioxidants. जी अस्का. यस मैम. मैम जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करा रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. फरखंदा मैम, एंटीऑक्सीडेंट का अदर सब्सटेंस किल द टॉक्सिन. दोबारा बोले बच्चे. फरखंदा मैम, एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल द टॉक्सिंस. वेरी गुड. ठीक है. और इसके अलावा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बॉडी मास्टर एंटीऑक्सीडेंट पढ़ा था. What is the body master antioxidant? मैम ग्लूटाथियोन. वेरी गुड अस्का. ठीक है जी. फिर इसके बाद आपने रोल ऑफ ग्लूटाथियोन डिस्कस किए थे, सोर्सेज डिस्कस किए थे, देन वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ द ग्लूटाथियोन डेफिशिएंसी. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लूटाथियोन डेफिशिएंसी, कौन बताएगा? आतिका रहमान. मैम जीन की म्यूटेशन हो जाती. जी आतिका. आतिका आपका माइक जो है वो अनम्यूट नहीं हुआ हुआ. मैम जीन में म्यूटेशन हो जाती. हाँ जी. क्या होता है? जीन में म्यूटेशन. ये किसने बोला? मैम हीरा. हीरा, अब कॉजेस ऑफ ग्लूटाथियोन डेफिशिएंसी अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि क्या है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन या डाइट, तो क्या हो सकते हैं? मैम बताऊं? जी अक्सा. मैम प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बहुत सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे जा सकता है, जस्ट लाइक हाइपरग्लाइसीमिया और मैम इतनी याद है, और लो डाइट्री सिस्टीन का भी रहता है जिसके अंदर. वेरी गुड. वेरी गुड अक्सा. सो हम लोगों ने फोर बेसिक कॉजेज डिस्कस किए थे. एक तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक कॉज हो सकता है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज, एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा हो, वो एक कॉज हो सकता है. और लास्टली हमने एक देखा था कि जो लो इनटेक ऑफ सिस्टीन है वो डायरेक्टली जो है रिलेटेड है जीन एक्सप्रेशन पे, जिसकी वजह से ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी हो सकती है और सिंथेसिस कम हो सकता है. So then we discuss the factors which enhances the glutathione, or specifically nutritional factors की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं? कौन बताएगा? Raise your hands. मानूर. मैम विटामिन सी. अच्छा. और मानूर, हमने स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो के ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं और ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को एनहांस कर सकते हैं. शफक.
मैम उसमें हमने टॉरीन पढ़ा था, ग्लूकोसामाइन पढ़ा था, वेरी गुड, केरेटिनॉइड्स और जिंक पढ़ा था। एक्सीलेंट, ठीक है। सामने आपकी स्लाइड्स पे लिखे हुए हमने देखा था कि जिंक है, फाइबर है, सिस्टीन, ग्लाइसिन, इसके अलावा ग्लूकोसामाइन, टॉरीन, पॉलीफेनोल्स, केरेटिनॉइड्स, ये जो है स्पेसिफिकली वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को एनहांस कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन लेवल के ऊपर। ठीक है जी, तो दैट वाज द लास्ट लेक्चर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैंने आप लोगों के मार्क्स जो है वो मैन्युअली मेंटेन करने हैं, तो मेक श्योर कि आपने अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगर नहीं जवाब दोगे तो मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंक्शनल फूड? अब फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, आपको क्या पता है फंक्शनल फूड्स के बारे में? जी बच्चों, मैम जो हमारी बॉडी को बेनिफिट देते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब इसके अलावा हाउ डू यू डिफाइन फंक्शनल? मैम जो हमारी जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ा दें। न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दें, अच्छा। और कोई मैम? वो फूड जो किसी डिजीज में जो है वो हमें हेल्प करें प्रिवेंट करने में, और उसे हम कहते हैं फंक्शनल फूड्स। ठीक है एमन, सो बेसिकली फंक्शनल फूड्स वो फूड्स हैं जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ वो आपको डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, और हेल्थ बेनिफिट्स में स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स आपको देते हैं। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो बेनिफिट्स जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो आपको आपके डिजीज प्रिवेंशन में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ फूड्स का थेरेप्यूटिक इफेक्ट है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस, तो बेसिकली फंक्शनल फूड्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, डिजीज प्रिवेंशन में रोल प्ले करते हैं अदर देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसके अलावा फंक्शनल फूड्स में न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं समटाइम्स। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स? जी बच्चों, आप लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पहले कभी पढ़ा है? एमन मैम, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो हमारी क्रॉनिक डिजीज जो है उनको प्रिवेंट करते हैं और बेनिफिशियल होते हैं कुछ डिजीजेस में न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऑलराइट, सो बाय डेफिनेशन न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है दे गिव्स द हेल्थ बेनिफिट्स अदर देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। और न्यूट्रास्यूटिकल्स के एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, कोर्सेटिन है, फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिमिनॉइड्स। सो बेसिकली अगर हम देखें न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन जो है वो सेम है एज विद द फंक्शनल फूड, लेकिन जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो बेसिकली रेफर कर रहे हैं फोर्टिफाइड फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स को। ठीक है, न्यूट्रा इज रेफरिंग टू द न्यूट्रिएंट, सोटिकल मींस सप्लीमेंट, मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। तो जो हमारी मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं हम उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है अदर देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके डिजीज प्रिवेंशन में भी रोल प्ले करते हैं। जैसे एमन ने बताया कि वो डिजीज प्रिवेंशन में रोल प्ले करते हैं, इसके साथ साथ आपको जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करते हैं। सो बाय डेफिनेशन फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। फंक्शनल फूड्स आर द फूड्स विद इंग्रेडिएंट व्हिच गिव्स द फूड हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज ओवर एंड अबव इट्स यूजुअल न्यूट्रिशनल वैल्यू। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं दे आर द फूड स्टफ इंक्लूडिंग फोर्टिफाइड फूड और अ डाइटरी सप्लीमेंट हेल्प टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट और मेडिसिनल बेनिफिट इन एडिशन टू इट्स बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं दोनों की डेफिनेशन सेम है। अगर हम मजीद देखें कि फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल में क्या डिफरेंस हो सकता है, फंक्शनल फूड नेचुरली कंटेन्स द बायोएक्टिव कंपाउंड्स फाउंड इन फूड, वाइल न्यूट्रास्यूटिकल्स
the bioactive compound found in fortified food and dietary supplements and herbal products. न्यूट्रास्यूटिकल के एग्जाम्पल में हमारे पास फोर्टिफाइड फूड्स आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनमें बायोएक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं. फंक्शनल फूड्स जो है वो नेचुरल होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. सिंथेटिक मीन्स के वो कमर्शियली प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं, जैसे कि दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, कैप्सूल्स एंड लिक्विड्स. ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे डाइट्री सप्लीमेंट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, कैप्सूल्स और लिक्विड्स. फंक्शनल फूड्स जो हैं, द बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन देम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स. अब इस लाइन का मीनिंग ये है, जो हमारे ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आपके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फंक्शनल फूड्स के अंदर कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स और वो आपको जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करने में रोल प्ले कर रहे हैं. अब इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे गार्लिक है, ठीक है, गार्लिक के अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है एलाइसिन. ठीक, वो जो है आपको कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू वो आपके हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है. हम सबको पता है गार्लिक जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज देता है, तो गार्लिक एक फंक्शनल फूड की एग्जांपल है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा एक बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट कंपोनेंट ऐड किया हुआ है जो कि आपकी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो यूजली उनके अंदर जो है ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया कि वो आपके बेसिक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके सप्लीमेंट्स में विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन आती है, फाइबर, फोर्टिफाइड फूड की अगर एग्जांपल दूं तो फाइबर की फोर्टिफिकेशन होती है. ठीक है, तो फाइबर और विटामिन सी दोनों जो है वो ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके थ्रू जो है हम अपनी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं. तो ये इस तरह से एग्जाम्पल है, डिफरेंस है बिटवीन न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड का. फरखंदा मैम, हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मतलब फंक्शनल फूड्स वो हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अगर उसमें मतलब वो आयरन रिच है या फिर इस तरह है, तो अगर मतलब वो फंक्शनल फूड हो जाएगा. और न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये होंगे कि वो मेडिसिन होंगी जो आयरन रिच होंगी, इस तरह कह सकते हैं ना इसको हम. बिल्कुल इस तरह है, ठीक है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहे हैं, फिजियोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बहुत एक फाइन लाइन है इनके डिफरेंस में, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल जो है उसमें हम ये जिस तरह बिल्कुल फरखंदा ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आयरन है, ठीक है, अब वो जो है नेचुरली प्रेजेंट है डिफरेंट फूड्स में, अगर हम उसी के सप्लीमेंट बना रहे हैं या उसकी फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो न्यूट्रास्यूटिकल बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, ये एग्जाम्पल है फंक्शनल फूड की. न्यूट्रास्यूटिकल की एग्जाम्पल अगर दें तो वी हैव बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, लिबर्सिटॉल, फेरुलिक एसिड, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू द केस स्टडीज, जिसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि कैसे फंक्शनल फूड जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. सबसे पहली रिसर्च जो है वो ऑलिव ऑयल और नट्स के ऊपर हुई है और इसमें ये देखा गया है कि ऑलिव ऑयल और नट्स जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एंड फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च, वर्जन ऑलिव ऑयल सप्लीमेंटेशन फॉर द 3 weeks alters the expression of genes which are related to the atherosclerosis development and progression. ठीक है, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑलिव ऑयल और नट्स जो है दोनों एग्जाम्पल है फंक्शनल फूड की और ये जो है आपके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं. इस रिसर्च में स्पेसिफिकली ये प्रूव किया गया है कि अगर 3 weeks तक हम ऑलिव ऑयल की सप्लीमेंटेशन दें तो उससे आपका जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा और वो जीन्स जो कि एथरोसिक्लेरोसिस की डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन में रोल प्ले करते हैं वो इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है और वो जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है और इसके थ्रू हम हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. जी फरखंदा मैम, जो हमने बेसिकली हम ये सुनते हैं ना कि सप्लीमेंटेशन हम लोग बेसिकली मेडिसिन से रिलेट करते हैं, तो जैसे हम ऑलिव ऑयल और नट्स ले रहे हैं तो इसको भी देना हम सप्लीमेंटेशन कह सकते हैं. हाँ जी, तो इसको लेना, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे. मैम बेसिकली सप्लीमेंटेशन की जो टर्म है वो सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज होती है या जिस भी चीज को लें उसके लिए यूज हो सकती है?
जैसे हम ऑलिव ऑयल बेसिकली ये रिसर्च जो है इसमें स्पेसिफिकली सप्लीमेंटेशन दी गई थी, लेकिन इस रिसर्च की फाइंडिंग सिर्फ यही है, मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल और नट्स को जो है वो रेगुलराइज कर लो, रूटीन बना लो, ठीक है, तो उससे आपका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा एक तो हमने ये बात की है कि आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो चेंज होगी, और जो इसकी रिजल्ट थे, फाइंडिंग थी इस रिसर्च के, वो ये थे कि जो इन्फ्लेमेटरी जीन्स हैं वो भी डिक्रीज हुए हैं आफ्टर अ सिंगल डोज ऑफ वर्जिन ऑलिव ऑयल। देन जीन्स रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, सेलुलर प्रोसेस, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी रिलेटेड जीन्स, ऑल ऑफ दीज जीन्स वर ऑल्सो चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू दी सिंगल डोज ऑफ वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक, कंक्लूजन इस रिसर्च का ये था कि पोटेंशियली कार्डियोप्रोटेक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर एन इनटेक ऑफ ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट। और ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इट इज रिच इन ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इस रिसर्च में मेडिटेरेनियन डाइट को टेस्ट किया गया था और ये देखा गया था कि वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर सकती है। तो इस रिसर्च की कंक्लूजन और फाइंडिंग्स ये हैं कि वो कार्डियोप्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं और ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या होते हैं? व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे आती हैं जब डीएनए जो है सिंगल आरएनए में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू हेमंत। सो जब हमारी इंफॉर्मेशन डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जा रही होती है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर बेसिकली ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं हमारे ऑलिव ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आपको सामने नजर आ रहा होगा मैंने वर्ड यूज किया है मेडिटेरेनियन डाइट का। तो अब मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, इसके बारे में आपको क्या पता है? एमन, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम आपने ऑलिव ऑयल का बात किया ना कि हमें यूज करना चाहिए, तो इसकी सेफ क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में हमें यूज करना चाहिए? बिल्कुल, सो जो सेफ अमाउंट है वो वही रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि आप अपने जो फैट की परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो रिकमेंडेड अमाउंट और द सेफ अमाउंट ऑफ फैट है वो ही इस रिसर्च में दी गई थी, और देखा गया था कि कैसे जो है अब वो जीन लेवल के ऊपर चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफाई करें सर्विंग बेसिस के ऊपर, तो 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ दी ऑलिव ऑयल जो है वो सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में दिया गया था। मेडिटेरेनियन डाइट की जो एक मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में आपको क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट मेडिटेरेनियन डाइट? मैम इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं जी। हिरा, मैम इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होती है, मीट वगैरह कम होते हैं। ठीक है, और इसमें मैम नॉन फिश मीट भी होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वेरी गुड शफाक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, बच्चों मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन ग्रीस एंड इटली। जो लोग मेडिटेरेनियन एरियाज में रहते हैं उनके जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर इस डाइट को नाम दिया गया। और इस डाइट की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं वो ये है कि इट इज रिच इन ऑलिव ऑयल, लेग्यूम्स एंड अनरिफाइंड सीरियल्स। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है इसमें, और मॉडरेट कंजम्पशन होती है फिश की, मॉडरेट टू हाई कंजम्पशन ऑफ फिश, ठीक है। जैसे कि अभी शफक ने बताया कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ऐड हुए होते हैं, और फिर इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंजम्पशन भी मॉडरेट होती है, और मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ चीज एंड योगर्ट जो है वो कंज्यूम करते हैं। लो कंजम्पशन ऑफ नॉन फिश मीट प्रोडक्ट्स, मीनिंग दैट कि अगर जो प्रोटीन का पोर्शन और मीट का जो पोर्शन है वो फिश की फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन फिश मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो कंजम्पशन में होते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हाईली हेल्दी डाइट है, ठीक है। और अगर मैं इसके न्यूट्रिएंट वाइज
इसको एनालाइज करूं तो हम ये देख रहे हैं कि जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसका कंटेंट ज्यादा है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट ज्यादा है. और मीट में भी हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या गुड क्वालिटी प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अ फिश वो कंज्यूम करें. डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम किए जा रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं है. सो मेडिटेरियन डाइट की जो है वो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो है हाईली इफेक्टिव डाइट है इन टर्म्स ऑफ द हार्ट हेल्थ. ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो जो ये रिसर्च आपने देखी थी, इस रिसर्च में मेडिटेरेनियन डाइट को देखा गया था और कीपिंग इन माइंड द ऑलिव ऑयल और नट्स का, नट्स और ऑलिव ऑयल की कंजम्पशन और इसके साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कंजम्पशन को रिलेट किया था विद द हार्ट हेल्थ. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर रिसर्च विच वॉज अबाउट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो फंक्शनल फूड हैं या नहीं, यस और नो? यस मैम है. यस, वेरी गुड. ठीक है, अब वो क्यों है ये मुझे बताएंगे, व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल फूड्स? बिकॉज़ दे प्रिवेंट एंड रिड्यूस डिजीज. ठीक है, आप बिकॉज़ दे प्रिवेंट एंड रिड्यूस डिजीज. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. वेरी गुड एमन, ठीक है, शाबाश एक रहे नेमन. सो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं कि दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. और इसके साथ साथ उनके अंदर डिफरेंट बायोएक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको डिफरेंट थेरेप्यूटिक वैल्यूज या हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स दे रहे हैं. अब इस रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि फंक्शनल फूड्स कैसे including the fruits and vegetables कैसे आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. सो फंक्शनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ फाइटोकेमिकल्स एंड दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स. सो दे अप रेगुलेट द जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन सेलुलर स्ट्रेस डिफेंस. ठीक है, तो फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में और वो एक्ट कर रहे हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट और सेलुलर स्ट्रेस डिफेंस के अगेंस्ट जो है वो काम करने में हेल्प करते हैं. जीन लेवल के ऊपर सेलुलर स्ट्रेस डिफेंस को प्रमोट करते हैं, सच एज डीएनए रिपेयर, एपोप्टोसिस एंड हाइपोक्सिया. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एविडेंस है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं. कंक्लूजन यही है कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कैन बी मीडिएटेड थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोसेसेस. स्पेसिफिकली हम रिलेट कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को विद द सेलुलर डिफेंस और हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके सेलुलर डिफेंस को प्रमोट करने में एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं जीन लेवल. Now we are going to discuss functional foods in the prevention of carcinogenesis. Now, what is carcinogenesis? How do you define carcinogenesis? From uncontrolled cell division. ठीक है शफ़क. और मैम जो कैंसर रिलेटेड मतलब फॉर्मेशन होती है. वेरी गुड अस्का. बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें, कार्सिनो इज रेफरिंग टू द कैंसर, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. जेनेसिस का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्मेशन. सो कैंसर फॉर्मेशन में फंक्शनल फूड कैसे रोल प्ले करते हैं टू प्रिवेंट द कैंसर फॉर्मेशन. कैंसर इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट सेलुलर एंड मोलिकुलर चेंजेस. कैंसर टिपिकली टेक्स मेनी ईयर्स टू डिवेलप. Such as colon cancer can take up to 40 years to develop. ठीक, so cancer जो है वो एक complex, आप कह सकते हैं कि complex mechanisms उसके अंदर involved होते हैं उसकी development में. Different cellular और molecular level के ऊपर changes आते हैं जिसकी वजह से cancer होता है. और जो interesting fact है वो ये है कि cancer जो है वो एक overnight और one night में develop नहीं होता. It takes many years and a long time period of time to develop cancer. Or specifically colon cancer ko develop hone ke liye 40 years required hote hain. To hum ye keh sakte hain ki agar ek individual hai
उसकी डाइट और उसका लाइफस्टाइल जो है वो रोल प्ले करेगा कार्सिनोजेनेसिस में, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है वो कैंसर हो रहा है. मैकेनिज्म ऑफ कार्सिनोजेनेसिस को देखें तो सबसे पहले कार्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है, फिर वो डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है, देन सेल प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस. सेल प्रोलिफरेशन मीन्स सेल मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. और फिर इसके बाद जो है वो म्यूटेशन होती है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जीन म्यूटेशन होती है, एंड दिस जीन म्यूटेशन लीड्स टू द कार्सिनोजेनेसिस. सो ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बट ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्सिनोजेनेसिस और बेसिक स्टेप्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस क्या है. जी हिरा, कोलोन कैंसर कहते हैं. हिरा प्लीज आप थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आई है. मैम कोलोन कैंसर क्या होता है? कोलोन कैंसर क्या होता है ये पूछा आपने? जी कौन बताएगा व्हाट इज कोलन कैंसर? मैम कोलन के अंदर कोलन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लग जाए तो फिर वो कोलन कैंसर हो जाएगा. एग्जैक्टली ठीक है, थैंक यू अक्सा. बेसिकली जो आपका कोलन है उसके अंदर जो है वो एक्सेसिव सेल ग्रोथ होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से कोलन कैंसर होता है. एंड इट इज़ दी वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो कि हमारी जनरेशन्स में प्रेविलेंट है. ठीक है, जो कोलन का जो कैंसर है दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. बिल्कुल, कोलन क्या है? इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. फरखंदा मैम कार्सिनोजन क्या है? ये मतलब सेल ये क्या है? कार्सिनोजेनेसिस क्या है ये पूछा मैम? वो तो पूरा प्रोसेस है ना, सिर्फ कार्सिनोजन क्या है ये? अब लास्ट स्लाइड की बात करेंगे. ये यस मैम कार्सिनोजन, ये जो फर्स्ट स्टेप है कार्सिनोजन. कार्सिनोजन का पूछ रहे हो? यस मैम. कार्सिनोजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस और केमिकल टॉक्सिन हो सकता है जिससे जो कैंसर कॉजिंग हो, ठीक है, एनी केमिकल और टॉक्सिन जो के कैंसर कॉज करता है दैट इज नोन एज कार्सिनोजेन. सबसे पहले वो जो है हमारी बॉडी में जाके एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है फिर वो जाके डीएनए के साथ बाइंड करता है, डीएनए का रिपेयर जो है वो इफेक्ट होता है, फिर जी सेल प्रोलिफरेशन इफेक्ट होगी, म्यूटेशन होगी, और जब जीन के अंदर म्यूटेशन होगी इट विल लीड टू द कार्सिनोजेनेसिस. कार्सिनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल. जो मेन जो की है कार्सिनोजेनेसिस में हो क्या रहा है वो ये है कि जो सेल साइकिल है वो इफेक्ट होता है. ठीक है, अब सेल साइकिल कैसे इफेक्ट होता है कि जो सेल प्रोलिफरेशन है वो ज्यादा हो जाती है और एपोप्टोसिस कम हो जाता है, यानी एक्सेसिव और एबनॉर्मल ग्रोथ और एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में. अब इसके दो कॉजेज हैं, एक तो जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं. जेनेटिक चेंजेस क्या है कि म्यूटेशन होगी या डिलीशन होगी डीएनए में या डीएनए की सीक्वेंस में. इसके अलावा एपिजेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, और एपिजेनेटिक चेंजेस रेफर्स टू द ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जब भी आप लोगों को ये पढ़ाया मैंने उनके ऊपर एम्फेसाइज किया है, क्योंकि न्यूट्रोजेनोमिक्स आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स में डिफरेंस समझ ना आ जाए. जेनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द जीन्स एंड जीन फंक्शन, वाइल एपिजेनेटिक डील्स विद द जीन रेगुलेशन, यानी जीन किस तरह से रेगुलेट हो रहा है, कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, फंक्शनिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है. Genetics focuses on how DNA sequence leads to the changes. यानी अगर DNA की sequence में कोई भी change आ जाए, कोई mutation हो जाए, deletion हो जाए, addition हो जाए, तो उसकी वजह से cell के अंदर क्या changes आएंगे. That is genetics. और epigenetics focuses on how DNA is regulated to achieve those changes. यानी कि जीन एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या था, डीएनए कैसे चेंज हो रहा है
to achieve those changes, that is basically referring to the epigenetics. So these are the key concepts which needs to be cleared. और मैं बार बार emphasize इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो. Moving on to the relationship of cancer and diet. अब diet का जो है ना बहुत strong relationship है with the cancer. और ये देखा गया है research में कि जो cancer prevalence है it is higher in culture where intake of plant food is low. So इसको justify करें कि कैसे intake of plant when the intake of plant food is low how it is related with the cancer prevalence. What is the reason behind it? मैम प्लांट्स में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो है हमारे कार्सिनोजेंस मोस्टली यही होते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वही कार्सिनोजेन का रोल प्ले करते हैं. वेरी गुड एमिन. ठीक है बच्चों बात ये है कि प्लांट फूड्स जो हैं वो रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और कैंसर शुरू ही तब होता है जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो कार्सिनोजेन फ्री रेडिकल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए. ठीक है जी. तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की डाइट में प्लांट बेस्ड फूड्स ठीक है अब प्लांट बेस्ड फूड्स में आपके फ्रूट्स भी आ रहे हैं वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं और बेसिकली हम फोकस करें नेचुरल फूड सोर्सेज के ऊपर. ठीक है अब एक इंडिविजुअल जो है उसकी डाइट में प्लांट फूड्स कम है जैसे उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का पोर्शन कम है वो डेयरी ज्यादा ले रहा है वो मीट प्रोडक्ट ज्यादा ले रहा है और इसके अलावा सिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हो गए उसके कंजम्पशन ज्यादा है तो उसको चांसेस ऑफ दी कैंसर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे उसकी बॉडी में. ठीक है ये प्रूवन फैक्ट है बाय द रिसर्चर्स. इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो देयर इज अ मोर इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फॉर एग्जांपल डाइट एंड लाइफस्टाइल देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. अब ये एक और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है रिसर्च की एविडेंस बेस्ड रिसर्च है कि आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से ज्यादा आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज योर डाइट एंड लाइफस्टाइल कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कार्सिनोजेनेसिस. सो व्हाट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है बच्चों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको दिया था. मैम इंक्रीज प्रेवेलेंस ऑफ मतलब कोई भी ऐसी डिजीज का ज्यादा वहां पे होना ज्यादा चांसेस होना किसी भी डिजीज के होने के. सो या वेरी गुड. सो किसी भी डिजीज की टेंडेंसी या रिस्क ज्यादा होना बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स. ठीक है किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप की वजह से किसी भी डिजीज का रिस्क या टेंडेंसी ज्यादा होना दैट इज नोन एज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ अ डिजीज. सो अगर कोई इंडिविजुअल है उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर टेंडेंसी है फॉर एग्जांपल उसके जेनेटिक मेकअप में टेंडेंसी है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो या डायबिटीज हो ठीक है तो अगर उसके एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज उसकी डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से वो डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और डाइट और लाइफस्टाइल का ज्यादा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ये एक इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ जानी चाहिए. मैं हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज के होने में. ठीक है लेकिन अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो उसकी वजह से वो डिजीज होने का रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा हो जाएगा. बात समझ आ गई आप लोगों को. मैम इसको रिपीट करते हैं. अक्सा क्या समझ आई है. मैम मैंने कहा इस वाले पॉइंट को रिपीट कर दें. एमन क्या समझ आई है. मैम इसमें आपने यही बताया कि मतलब हमारे डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी ज्यादा जो है वो मैटर करता है. जरूरी नहीं कि कोई भी जो डिजीज है वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हो वो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है अगर हमारे लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न अच्छे नहीं है तो. वेरी गुड एक्सेलेंट. अक्सर समझ आई है बात की. जी मैम क्या समझ आई. मैम यही कि अगर हमारे पास हमारी डाइट अच्छी है
और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो जो डिजीज होने के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं. अगर वो जेनेटिकली ज्यादा भी है, अगर हमारी डाइट अच्छी है तो वो कम हो गए. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एविडेंस है कि डाइट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है. अगर आप अच्छी डाइट लोगे, आप अपने जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो और उसके थ्रू आप किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ द एविडेंस ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके जेनेटिक मेकअप में उस डिजीज की टेंडेंसी है, लेकिन आप अपने डाइट के थ्रू उसको मैनेज और मेंटेन कर सकते हो, उसके रिस्क को कम कर सकते हो. ठीक है, now what kind of genetic changes occur during carcinogenesis. abhi humne epigenetic changes dekhe the ki kaise hum epigenetics ke through jo hai apne carcinogenesis ko prevent kar sakte hain, lekin genetic changes kya aa rahe hote hain during the carcinogenesis. so sabse pehle jo key concept hai wo ye hai ki dna aapka damage hota hai. theek hai, dna is damaged by the exogenous and endogenous sources. endogenous sources jo hai पहले हम एक्सोजेनस सोर्सेस देख लेते हैं. एक्सो मींस आउटसाइड और एक्सटर्नल सोर्सेस. सो देयर आर डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ ऑक्सीडेंट एंड कार्सिनोजेंस जो कि आपकी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है. डिफरेंट आपकी डाइट की कॉम्पोजिशन और उसके कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कार्सिनोजेनेसिस में. इसके साथ साथ वो फूड जो है वो कैसे प्रोसेस किया गया या वो कैसे कुक हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक्सोजेनस सोर्सेस ऑफ द ऑक्सीडेंट और कार्सिनोजेंस को इंक्रीज कर सकता है या रिस्क ऑफ कैंसर को इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, तो बच्चों आप जो भी फूड कंज्यूम करे या जो भी डाइट कंज्यूम करे हो उसकी कॉम्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब कॉम्पोजिशन में जो है वो बेसिकली ये आता है कि आप कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, कितने आप फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, कितने एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम कर रहे हो. सो कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड इज अ की फॉर द कार्सिनोजेनेसिस, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस. जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लोगे उतना ज्यादा हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ फूड की प्रोसेसिंग क्या है, यानी वो फूड किस तरह से प्रिजर्व हुआ हुआ है या वो कैसे कुक किया गया, ये दोनों भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कार्सिनोजेनेसिस में. एग्जाम्पल दूंगी फूड प्रोसेसिंग की, जैसे हम डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं अपने फूड में तो वो प्रिजर्वेटिव्स जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं रिस्क ऑफ कैंसर. इसके अलावा कुकिंग की एग्जाम्पल दूंगी, जैसे बारबेक्यू हम करते हैं. ठीक है, बारबेक्यू करने से जब हम मीट को एक्सेसिवली बारबेक्यू कर रहे हैं तो चैरिंग ऑफ द मीट होता है, यानी मीट चार्ड मीट जो है वो बेसिकली एक एग्जांपल है कि कैसे बेसिकली वो जीनोबायोटिक्स को इंक्रीज करता है. जीनोबायोटिक्स जो हैं वो टॉक्सिन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक कुकिंग मेथड की वजह से आप अपने मीट को कन्वर्ट कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ कार्सिनोजन या एज अ सोर्स ऑफ कैंसरस एजेंट इन योर बॉडी. ठीक है, चार्ड मीट की मैंने एग्जाम्पल दी है. चार्ड मीट बेसिकली आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा, चार्ड मीट जो है ये आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है जब हम बारबेक्यू करते हैं. सो दीज चार्ड मीट एंड दीज ब्लैक स्पॉट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द मीट एज अ रिजल्ट ऑफ बारबेक्यू और एक्सेसिव ग्रिलिंग, ये जो है कैंसर कॉजिंग है. ठीक है, बात समझ आ गई. अब हम बात करते हैं एंडोजेनस सोर्सेस को. एंडो मींस इनसाइड योर बॉडी. सो कुछ ऐसे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, कार्सिनोजेंस बनते हैं जो कि कैंसर को प्रमोट करते हैं. So endogenous sources are derived from metabolism. ठीक है, as a byproduct of metabolism, different endogenous sources आपकी body में बनते हैं जो कि cancer cause करते हैं. और basically metabolism में जो conversion होती है pro carcinogens की into the carcinogen. जैसे अभी मुझसे question पूछा था कि carcinogen है क्या, carcinogen basically cancer causing agent है. ठीक है, फिर जब कार्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इट विल जनरेट डिफरेंट एंडोजेनस सोर्सेस सच एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज,
alkylating agents, lipid peroxidation products, and lack of the histidine decarboxylase. So body के अंदर ये different endogenous sources हैं जिसकी वजह से cancer हो रहा है. और ये जो आपको red में नजर आ रहे हैं, highlighted red में जो नजर आ रहे हैं, reactive oxygen species, nitrogen species, alkylating agents, ये सारे मिलके आपकी body के अंदर oxidative stress को increase कर रहे हैं. ठीक है, free radicals हैं ये. फर्दर डिस्कस कर लेती हूँ इसको सपोर्ट करने के लिए कि रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जो है वो कैसे कैंसर कॉज करती हैं. तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज आर द फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिराइव फ्रॉम द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड A9. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग बहुत सारे पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है और इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जो है वो तब फॉर्म होती है जब आपकी बॉडी में एक्सेस नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो और उसके साथ नाइट्रोस्टेटिंग एजेंट्स जो है वो एड हो जाए. वो मिलके क्या करेंगे कि आपके डीएनए को डैमेज करेंगे. अब ये नाइट्रोस्टेटिंग एजेंट्स क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का तो आपको पता है, नाइट्रोस्टेटिंग एजेंट्स क्या है, इसकी सोर्सेज जो है वो आती है फूड प्रिजर्वेटिव्स. और फूड प्रिजर्वेटिव्स में स्पेसिफिकली जो नाइट्राइट्स हैं दे आर बेसिकली द नाइट्रोस्टेटिंग एजेंट्स जो कि आपके डीएनए को डैमेज कर रहे हैं. जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि एक इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस ज्यादा है और उसकी डाइट में मीट का कंजम्पशन, प्रिजर्व्ड मीट का कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि मीट में, मीट को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्राइट प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस्ड मीट और प्रिजर्व मीट कंज्यूम कर रहा है और उसकी बॉडी में ऑलरेडी नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्सेस है तो उसका डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाएगा और जब डीएनए डैमेज होगा तो कैंसर होना शुरू हो जाएगा. इसी तरह नाइट्राइट प्रिजर्वेटिव जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं, इसलिए जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो उसके फूड लेबल को जरूर पढ़ा करो ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि आपकी डाइट में आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कौन से प्रिजर्वेटिव कंज्यूम कर रहे हो. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ डी एन ए डैमेज. अब 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डी एन ए डैमेज होते हैं. ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी पता है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी. वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ डी एन ए डैमेज इज डीएमआईनेशन, देन डीप्यूरिनेशन, टीटी और टीसी डाइमर्स बनते हैं, थायमिन थायमिन डाइमर्स और थायमिन साइटोसिन डाइमर्स भी बन सकते हैं, उसकी वजह से भी डी एन ए डैमेज होता है. एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए डीएनए में तो उसकी वजह से भी डीएनए डैमेज होता है. और एल्काइलेशन का जो प्रोसेस है ये मेडिसिन में यूज किया जाता है टू फॉर द कीमोथेरेपी और टू डैमेज द डीएनए ऑफ द कैंसर सेल्स. कीमोथेरेपी के अंदर हम एल्काइलेशन करते हैं डीएनए की टू डैमेज द कैंसर सेल्स. मैं डिस्कस करूंगी थायमिन डाइमर्स को और वो कैसे जो है वो स्किन कैंसर को प्रमोट करते हैं. So UV induced DNA damage is the primary cause of all non-melanoma skin cancers. When exposed to the ultraviolet radiation such as sunlight, covalent bonds are formed between the adjacent thymine molecules. So आप ये देख सकते हैं कि जब UV radiation आपकी UV radiation जैसे कि sunlight जो है वो आपकी skin के ऊपर जाके एक्ट करे तो जो डीएनए है उसमें ये चांसेस होते हैं कि जो थायमिन थायमिन मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाए. जब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ किंक. किंक बेसिकली रेफर्स टू अ बेंड. आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में एक बेंड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि डीएनए डीएनए के जो थायमिन बेस पेयर्स हैं उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया और इसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और स्किन कैंसर हो सकता है. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि थायमिन डाइमर्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कैसे ये कैंसर कॉज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए और इसका मेन कॉज क्या है ये आपको बताना चाहिए. सो मेन कॉज ऑफ थायमिन डाइमराइजेशन इज द अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सच एज सनलाइट. ऑलराइट,
Now moving on, what is in the diet that can protect us from the colon cancer? अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कोलन कैंसर जो है वो हो सकता है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे डिफरेंट डाइटरी कॉम्पोनेंट्स जो है वो कोलन कैंसर कॉज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जो सबसे पहली रिसर्च है वो क्वर्सेटिन के ऊपर हुई है. क्वर्सेटिन जो है वो एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है जो अल्लाह ताला ने डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ऐड किया हुआ है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो एग्जाम्पल है फंक्शनल फूड की, और उनमें जो है वो क्वर्सेटिन प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड्स जिसके अंदर क्वर्सेटिन प्रेजेंट है, इट इंक्लूड्स लीफी वेजिटेबल्स, पेपर्स, एप्पल्स, ग्रेप्स, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी. So these are the few sources of functional foods जिसमें quercetin present है, naturally अल्लाह ताला ने इसको add किया है. Level depends on the food source and on an individual's dietary habit. यानी एक individual जो है वो जितने plant based food consume करेगा उतने ज्यादा जो है वो quercetin level उसके increase होंगे, और वो फिर आगे जो है carcinogens को prevent करने में role play करेगा. So high plant food diet would provide a reasonable mass of the quercetin. जो लोग plant based food ज्यादा consume कर रहे हैं उनकी diet में naturally जो है वो quercetin का level ज्यादा हो जाएगा. अब इस research में ये prove किया गया है कि जो quercetin है वो colon cancer को inhibit करता है. Mechanism इसका ये है कि reduce करेगा lesion formation को. Lesion formation, early colon cancer lesion formation, it plays role in the regulation of proliferation and apoptosis. यानी जो आपका cell cycle है उसके अंदर इसका direct effect है. It also plays role in the lowering the expression of cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. अब ये cyclooxygenase क्या है, ये cancer causing agents होते हैं, substances होते हैं जो कि आपके cell cycle को affect कर रहे होते हैं और tumor formation में role play करते हैं. तो इस रिसर्च में ये प्रूव किया गया कि जो लोग क्वर्सेटिन कंज्यूम कर रहे हैं वो कोलन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं. और थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो हैं या थ्री डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो देखे गए थे जीन लेवल के ऊपर हो रहे थे. ये सारे मैकेनिज्म आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च. तो ये आप लोगों को ग्राफ और टेबल नजर आ रहे हैं कि कैसे जो है वो क्वर्सेटिन प्रोलिफ्रेटिव इंडेक्स जो है क्वर्सेटिन में कम हुआ था. प्रोलिफ्रेशन मींस जहां पे सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. सो एज कंपेयर टू द कंट्रोल डाइट हम देख सकते हैं कि क्वर्सेटिन में प्रोलिफ्रेटिव इंडेक्स जो है वो कम हुआ था. एपोप्टोटिक इंडेक्स अगर देखें तो एज कम्पेयर टू द कंट्रोल डाइट क्वर्सेटिन की वजह से या क्वर्सेटिन का जो इफेक्ट था वो ये था कि उसने एपोप्टोसिस को प्रमोट किया था या एपोप्टोटिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो गया था, यानी जो कैंसर सेल डेथ है वो ज्यादा हो गई थी विद द कंजम्पशन ऑफ क्वर्सेटिन. कंक्लूजन ये है कि क्वर्सेटिन सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली लेजन्स. इट बेनिफिशियली अफेक्ट्स द प्रोलिफरेशन एंड एपोप्टोसिस टू रिटर्न द सेल नंबर्स टू द नॉर्मल लेवल्स, एंड इट ऑल्सो हैज अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. यानी इन एडिशन टू सेल साइकिल इसका इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट था. और अगर मैं देखूं कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो कोलोन है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, कोलोन कैंसर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं. यानी आपका कोलोन जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है. तो अगर हम प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को रिड्यूस करेंगे तो हम कोलोन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. दे आर प्रूव टू बी प्रोटेक्टिव. तो हमारे पास एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस ये है कि क्वर्सेटिन जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को कम कर सकता है. मूविंग ऑन टू अनदर रिसर्च, और इस रिसर्च में गट माइक्रोबायोटा को डिस्कस किया गया एंड हाउ इट कैन सप्रेस द कार्सिनोजन. गट माइक्रोबायोटा क्या होता है, व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा? मैम हमारे गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसे हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं. एक्सीलेंट, ठीक है. अब बच्चों बात ये कि जो आपका गट फ्लोरा है ना वो डिपेंडेंट है आपकी डाइट पे. हमारी डाइट जो है आपके गट फ्लोरा की कंपोजिशन को चेंज कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है.
अब इस रिसर्च में ये देखा गया, अरीबा अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। इस रिसर्च में ये देखा गया है कि जो गट फ्लोरा में स्पेसिफिकली जो हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग गट फ्लोरा है, लैक्टोबैसिलस रूटरी, उसको स्टडी किया गया कि ये कैसे जो है वो आपके कोलन कैंसर को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करता है। सो ह्यूमन गट फ्लोरा मे मीडिएट द सप्रेशन ऑफ द कार्सिनोजेनेसिस थ्रू इट्स इंटरैक्शन विद होस्ट इम्यूनिटी। हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग लैक्टोबैसिलस रूटरी reduces the inflammation and suppresses the colon tumors in the mice. yani aapke jo tumors hain aur inflammation hai usme ye ek positive role play karta hai lactobacillus rutri, aur iski wajah se hum ye dekh hamare paas ek scientific evidence aa gaya hai ki jo gut flora hai wo helpful hai in the prevention of carcinogenesis. aur kaise kar raha hai, by suppressing the tumors and reducing the inflammation. ये मज़ीद एक डिटेल है जीन लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं कि इट इज रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन बाय सप्रेसिंग द कैरेटिनोसाइट कीमोअट्रैक्टेंट, यानी कैरेटिनोसाइट कीमोअट्रैक्टेंट जो कि कीमोटॉक्सिन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको सप्रेस करेगा। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6, 22 और 1 जो कि इन्वॉल्व हैं सेल साइकिल में या सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने में जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको सप्रेस करेगा। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF-alpha व्हिच इज कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन इसको भी सप्रेस करता है। सो बच्चों ये अब आपको एज इट इज याद करने होंगे कि मैकेनिज्म क्या था कि कैसे जो है वो हिस्टामिन जनरेटिंग लैक्टोबैसिलस रूटरी कोलोन कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है। सो ये डिटेल में मैकेनिज्म आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है, ठीक है। लास्ट रिसर्च जो है बच्चों वो है सिट्रस फूड्स पे। अब सिट्रस फूड्स जो हैं वो भी फंक्शनल फूड हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं। इसके अलावा बायोएक्टिव कॉम्पोनेंट सच एस फ्लेवोनॉइड्स और लेमेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये रिसर्च जो है वो देखी गई है कि कैसे सिट्रस फूड्स जो है वो कार्सिनोजेनेसिस को प्रिवेंट करेंगे। अब इस रिसर्च में मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च के बारे में बता दूं, ये रिसर्च क्या थी। इस रिसर्च में बेसिकली 5 diets को टेस्ट किया गया था ऑन दी कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेनिक पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले 5 diets में एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली डाइट जो थी वो बेसिल डाइट थी। अब बेसिल डाइट जो है वो क्या होती है, बेसिल डाइट रेफर्स टू द डाइट हैविंग अ कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ बेसिल हीट एंड एडिक्वेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन क्वांटिटीज टू मीट द बेसिक नीड्स। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, बेसिल डाइट जो है वो डाइट है जो आपकी कैलोरिक नीड्स को और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, ठीक है। और आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 diets पढ़ाई, एक तो मेडिटेरेनियन डाइट थी और दूसरी अब ये बेसिल डाइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जी बेसिल डाइट क्या होती है। बेसिल डाइट जो है वो डाइट है जो आपकी कैलोरिक नीड्स और न्यूट्रिएंट नीड्स को फुलफिल कर रही है, और ये यूजुअली जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में यूज होती है। जैसे इंशाल्लाह आप लोग आगे जाकर रिसर्चेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिल डाइट वो एज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो यूज होती है एज अ कंट्रोल, ठीक है। मतलब कंट्रोल डाइट वो डाइट है जिसकी बेसिस पे आप कंपेयर करोगे अपनी बाकी डाइट्स को। सो बेसिल डाइट एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व methods in which the effects of a constituent which is to be determined is omitted first and later added to the diet. ab ye baat aapko aise samjhati hu, ye aapne jo case study dekhi hai isme sabse pehle basil diet as a control li gayi। let's suppose ye agar study rats ke upar hui thi to unko ek diet aisi di gayi jo 1500 calories jo hai wo provide kar rahi thi aur uske andar jitne bhi essential nutrient requirements hai wo fulfill ho rahi thi, theek hai। phir ek usi diet ke andar jo hai wo grapefruit pulp powder add kiya gaya aur isko unhone donate kiya tha, denote kiya tha with the GFPP के साथ। मतलब बेसिल डाइट के अंदर ग्रेपफ्रूट पल्प पाउडर जो है वो ऐड किया गया।
थर्ड टाइप ऑफ डाइट के अंदर जो है वो इरिडिएटेड ग्रेप फ्रूट पल्प पाउडर ऐड किया गया था. इरिडिएटेड मीन्स मतलब कि ग्रेप फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए जो रेडिएशन का प्रोसेस यूज किया जाता है तो हम उसको इरिडिएटेड का लेबल लगाते हैं, टैग लगाते हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि जो फूड प्रोसेसिंग है या फूड प्रिजर्वेशन है वो भी रोल प्ले करती है कार्सिनोजेनेसिस में. तो टेस्ट करने के लिए कि इरिडिएशन का क्या इफेक्ट होगा इसको लिया गया थर्ड टाइप ऑफ डाइट को. फोर्थ टाइप ऑफ डाइट वॉज द आइसोलेटेड निरंजन और फिफ्थ टाइप ऑफ डाइट वॉज द आइसोलेटेड लिमोनिन. और निरंजन जो है इट इज द सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड और लिमोनिन जो है इट इज द टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल. सो बेसिकली फाइटोकेमिकल और फ्लेवोनॉइड को टेस्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया. ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई है वेजल डाइट क्या है और उसको हम कैसे यूज करें. बेसिकली हम उसको एज अ कंट्रोल यूज करते हैं. पहले जो है हम बेसल डाइट को देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे और इसके बाद हमने उसके अंदर ग्रेप फ्रूट पल्प पाउडर ऐड किया, इरिडिएटेड ग्रेप फ्रूट पल्प पाउडर ऐड किया, निरंजन ऐड किया और लिमोनिन ऐड किया. ये सारे बायो एक्टिव और फंक्शनल फूड्स हैं जो कि हमने बेसल डाइट में ऐड किए और फिर देखा कि उसका कार्सिनोजेनेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो सबसे पहले ये देखा गया, जो फाइंडिंग्स थी इस रिसर्च की वो ये थी कि ऑल डाइस रिड्यूसेस द अर्ली लेजन्स, यानी जो अर्ली कैंसर फॉर्मेशन और लेजन फॉर्मेशन है वो सिट्रस फूड्स जो हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक, एज कम्पेयर टू द बेसल डाइट. फिर इसके बाद उसका इफेक्ट प्रोलीफरेटिव इंडेक्स के ऊपर देखा गया. तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोलीफरेटिव इंडेक्स जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है विद द कंजम्पशन ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स एज कंपेयर टू द बेसल डाइट कंट्रोल डाइट. एपोप्टोटिक इफेक्ट जो है, एपोप्टोटिक इंडेक्स जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर रहे हैं. और अगर आप इसको वैसे ही कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं जो ग्रेप फ्रूट है उसका ज्यादा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू द इरिडिएटेड ग्रेप फ्रूट. तो हम ये कह सकते हैं कि इरिडिएशन का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है ऑन द ग्रेप फ्रूट की कीमोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज. इसके अलावा लिमोनिन जो है वो भी एक एक्सेलेंट सोर्स है फॉर मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द निरंजन. साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेज लेवल उसके ऊपर ये इफेक्ट हुआ था कि जो हमारी डाइट थी टेस्ट डाइट उसने साइक्लोऑक्सीजिनेज लेवल्स को कम कर दिया था. ठीक है, एज कम्पेयर टू द कंट्रोल डाइट. और साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या है, ये प्रोमोट करते हैं एपोप्टोटिक रेजिस्टेंस को, प्रोलीफरेशन को प्रमोट करते हैं ऑफ द कैंसर सेल्स, एंजियोजेनेसिस इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, इसके अलावा इन्वेजन ऑफ द कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं. सो दीज are basically cancer causing agents जो कि आपकी body में carcinogenesis को promote कर रहे हैं. और results से ये prove हो रहा है कि जो citric fruits हैं, grape fruits specifically, वो carcinogenesis को कम कर रहा है. तो conclusion ये है इस research का कि grape fruit and some bioactive compounds reduces the colon carcinogenesis and irradiation may negatively affect the chemoprotection provided by the grapefruit. क्योंकि आप अपने results में ये देख सकते हैं कि जो irradiated grapefruit था, although इसका अभी भी cancer protective effect है, irradiated grapefruit आप देख सकते हैं कि वो significantly reduce कर रहा है carcinogenesis को, लेकिन as compared to the grapefruit जो कि जिसमें radiation नहीं हुई भी, आप देख सकते हैं कि उसका effect जो है वो कम था. तो हम ये conclude कर सकते हैं कि irradiation जो एक food processing method है, it might negatively affect the chemoprotection provided by the grapefruit. सही है. सो आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूँ, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रोसोटिकल. इन दोनों में डेफिनेशन में क्या फर्क है, एग्जाम्पल्स में क्या फर्क है. देन वी मूव्ड ऑन टू द हाउ डिफरेंट फंक्शनल फूड्स आर इफेक्टिंग द जीन एक्सप्रेशन. सबसे पहले रिसर्च जो है वो ऑयल्स और नट्स के ऊपर हुई थी. ठीक है, और इसमें ओमेगा थ्री को देखा गया था कि वो कैसे कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है
और ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं. ठीक, दूसरी रिसर्च जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर हुई भी थी. सबसे पहले फाइटोकेमिकल्स को स्टडी किया गया. फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो दे आर रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो कार्सिनोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग द डिफेंस प्रोसेस. फिर हम लोगों ने एक और रिसर्च पढ़ी, उसमें हमने कोर्सेटिन को देखा, और कोर्सेटिन जो है वो भी कार्सिनोजेनेसिस को रिड्यूस करता है. उसका मैकेनिज्म आप लोगों ने डिटेल में खुद देखना है. लास्ट रिसर्च है वो सिट्रस फूड्स के ऊपर हुई थी, और सिट्रस फूड्स में स्पेसिफिकली फ्लेवोनॉइड्स और लिमिनॉइड्स जो कि बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी किया गया, और ये कंक्लूड किया गया कि जो लिमिनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं वो कार्सिनोजेनेसिस को प्रिवेंट करते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और इफेक्टिव हैं. और इसी रिसर्च के एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी कि रेडिएशन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है कीमो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिट्रस फूड और एनी काइंड ऑफ फूड. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप